हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, घटना सार डेली करंट अफेयर पीसीएस 2024। तो देखिए दोस्तों, जिस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि एग्जामिनेशन टल रहा है, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई जारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि टलेगा तो भी पढ़ना है, नहीं टलेगा तो भी आप लोग को पढ़ना है। तो आज देखिए खेल खेल में देखिए दोस्तों, भारतीय मूल का सिंगापुर का 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी, जिसने फरवरी 2024 में अनुभवी पोलिश ग्रैंड मास्टर जोसेफ स्टोपा को स्विट्जरलैंड के बर्ग डाफर स्टैंड थॉमस ओपन में पराजित करके सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं, अश्वस कौशिक। अगला देखिए, हाल ही में किसे आईपीएल का सर्वकालिक महान टीम का कप्तान नामित किया गया है, एमएस धोनी। अगला देखिए, फरवरी 2024 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने किस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। अगला देखिए, किस आईपल फ्रेंचाइजी ने फरवरी 2024 में फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला देखिए, वह इंडियन खेल लीग जिसे दिसंबर 2023 में डेकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, और इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि, और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंचाया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। अगला देखिए, जहां यूनिकॉर्न कंपनी की वैल्यूएशन $1 अरब की होती है, वही डेनकॉर्न की वैल्यूएशन $10 अरब के पार पहुंच जाती है। अगला देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड द्वारा फुटबॉल खेल के दौरान प्रयोग होने वाले रेड येलो कार्ड के बाद अब किस नए कार्ड को लाने की घोषणा हाल ही में की गई है, ब्लू कार्ड। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए, ब्लू कार्ड का उपयोग मैदानों में रेफरी द्वारा तय किया जाएगा, जबकि कोई खिलाड़ी असहमति और नाराजगी व्यक्त करेगा, साथ ही यदि खिलाड़ी आक्रोशित होता है तो या रेफरी के निर्णय से असहमत होता है तो उसे ब्लू कार्ड दिखाया जा सकता है। ब्लू कार्ड दिखाए जाने के बाद खिलाड़ी को 10 मिनट के लिए खेल से बाहर जाना पड़ेगा। अगला देखिए, फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित करके किस देश ने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2024 में एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला पहला श्रीलंकाई खिलाड़ी कौन बना है, पंथुम निशांका। अगला देखिए, आईसीसी ने जनवरी 2024 महीने के लिए किसे पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज समर जोसेफ, आयरलैंड की महिला क्रिकेटर एमी हंटर को। छठे खेल इंडिया यूथ गेम्स 2024 का शुभांकर कौन था, बीरामंगई बेलुनीचियार। अगला देखिए, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे वर्ष 2023 का पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है, विराट कोहली को। हाल ही में अंटार्कटिका का सबसे तेज सोलो स्काइंग करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, हरप्रीत चंडी। अगला देखिए, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच आयोजित किए जाने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए किस पूर्व भारतीय निशानेबाज को मशाल वाहक के रूप में चुना गया, अभिनव बिंद्रा। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किसे फरवरी 2024 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जय शाह। अगला देखिए, हाल ही में स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किन दो खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा। 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। अगला देखिए, जनवरी 2024 में टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मॉक्सवेल ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का 5वां शतक लगाकर रोहित शर्मा की बराबरी कर ली। अगला देखिए दोस्तों, जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है, टाटा समूह ने। जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बालकन एथलेटिक ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। अगला देखिए, जनवरी 2024 में किसे रुपए प्राइम बॉलीवुड लीग के ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया गया, बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 2023 से 2027 तक FIH आयोजन के कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया गया है, वायकॉम 18। अगला देखिए, जनवरी 2024 में हॉकी इंडिया ने किसे हाई
और फॉर्मेश डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है हरमून क्रुंज को। नौवीं एशियाई शीतकालीन खेल, जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा, के शुभांकर का अनावरण जनवरी 2024 में किया गया है। बिन बिन और नीनी। अगला देखिए, जनवरी 2024 में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलते हुए पुरुष खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। अगला देखिए, हाल ही में घुड़सवारी खेल में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है दिव्य कीर्ति सिंह राठौर। जनवरी 2024 में आईसीसी द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? दीप्ति शर्मा को। जनवरी 2024 में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? दीव केंद्र शासित प्रदेश। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए जनवरी 2024 में किसे पहली महिला तटस्थ अंपायर नियुक्त किया गया है? सू रेडफर्न इंग्लैंड। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को बीसीसीआई ने प्रतिष्ठित कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रवि शास्त्री को। अगला देखिए, भारत का वह युवा बल्लेबाज जिसने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज 73 शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तन्मय अग्रवाल। अगला देखिए, हाल ही में 2024 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ किसने घोषित किया गया? तो सीन ए सीन नामक हिम तेंदुए को। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किस पहलवान को जयंती मनाने के लिए 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पहलवान खासाबद दादा साहब जाधव। अगला देखिए, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल से सम्मानित किया गया है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें 2023 में प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद शमी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है? मिडरफील्ड हार्दिक सिंह को। अगला देखिए, AFIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर तथा कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है? दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ एक गौरैया उज्ज्वला। टाइम पत्रिका ने किस वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? अर्जेंटीना के फुटबॉल लियोन मेसी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनाई जाने वाली 7 नवंबर को जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया गया? महेंद्र सिंह धोनी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रजनिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया गया? अंतिम पंगाल। अगला देखिए, 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित करके किस देश ने पहली बार जीता है? स्पेन ने। अगला देखिए, अगस्त 2023 में जॉर्डन के खेले गए अंडर T20 विश्व कप चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर अंडर T20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अंतिम पंगाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया? सचिन तेंदुलकर। अगला देखिए, अगस्त 2023 में घोषित 25वें सीएट क्रिकेटर रेस्टिंग्स पुरस्कार 2023 में किन दो पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रदान किया गया? मदन लाल एवं कर्शन घावरी। अगला देखिए, किन दो पुरुष और महिला भारतीय क्रिकेटरों को वर्ष 2023 में सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शुभम गिल और दीप्ति शर्मा को। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान की उदयपुर स्थित फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलिट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है जिंग फुटबॉल अकादमी। अगला देखिए, चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभांकर किया है चेन चेन और कांग कांग लियोन लियन। अगला देखिए, गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक ट्रॉफी प्रदान की गई है? श्री हरि नटराजन को। अगला देखिए, दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने हैं विजय अमृतराज लिएंडर पेस। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है ग्वालियर। अगला देखिए, 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके 5 दशक में पहली बार डेविस कप खिताब जीता है इटली ने। अगला देखिए, नवंबर 2023 में 26 वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। अगला देखिए, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 से रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन। अगला देखिए दोस्तों,
वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसे फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इस उपलब्ध को अर्जित किया है, लियोन मेसी। अगला देखिए, 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगुरन। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, वर्ष 2023 को लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोनेल मेसी को। अगला देखिए, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लालियान जुआल छांगटे। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियनशिप हॉकी 2023 का फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस देश ने खिताब की चौथी बार जीत का रिकॉर्ड बनाया, तो भारत है। अगला देखिए, जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैचों में अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाली दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। अगला देखिए, 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने हैं अंशुमन झिंगरन। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने जुलाई 2023 में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैटरियर से सम्मानित किया गया है, जस्टिन हेनिन बेल्जियम। अगला देखिए, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया FII। अगला देखिए, 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया, सचिन तेंदुलकर। अगला देखिए, वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें 2023 में MCC विश्व कप क्रिकेट समिति में शामिल किया गया, झूलन गोस्वामी। अगला देखिए, तमिलनाडु के चेन्नई में खेली गई एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभारंभ बोम्पन। अगला देखिए, गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर किया था मोगा। जम्मू कश्मीर की वह पैरा तीरंदाजी जो जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली अमरलिस्ट महिला तीरंदाज बनी है शीतल देवी। जुलाई 2023 में कौन भारत का 23वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है, आदित्य एवं सामंत। अगला देखिए दोस्तों, 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल 2023 के किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है, केरल विश्वविद्यालय। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है, तो सात्विक साईराज रंग की रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला देखिए, मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित किसने किया, मुंबई इंडियंस। अगला देखिए, हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में 11 बार ओवरऑल चैंपियन में कौन सा राज्य बना है, छत्तीसगढ़। अगला देखिए, बायकॉम 18 मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बताया, एमएस धोनी। अगला देखिए, आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, क्रेग फुल्टन। मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सचिन तेंदुलकर। अगला देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाला पहला भारतीय कप्तान बने हैं रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हाल ही में भारत के किस मुक्केबाजी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, निखत जरीन। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें ICC महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन रही, ऑस्ट्रेलिया। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तराखंड। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, जो लोग PCS RO और UP पुलिस की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। ये नहीं कि सिर्फ इसको PCS की तैयारी करने वाले ही स्टूडेंट देखें, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं देखिए, री एग्ज़ाम RO और पुलिस का दोनों होने वाला है। आपके पास ये मत सोचिए कि समय बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है, जैसे ही इलेक्शन बीतेगा आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी दोस्तों। इसलिए अपनी तैयारी को अभी से कमर कस लीजिए और पूरी तरह से समर्पित लग जाइए। इस बार जो भी वैकेंसी होगी बहुत फ्रेश होगी, क्योंकि सरकार सोच ले बहुत ही स्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन मैं करता हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।